गाइस बीट तो आप लोगों को काफी अच्छी अच्छी मिल जाती है, लेकिन आप लोगों को प्राइस नहीं मिल पाता जो आप लोगों की पॉकेट को सूट करे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, नॉर्मल क्वालिटी के डॉग्स को भी काफी एक्सपेंसिव प्राइस में सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बेस्ट क्वालिटी भी आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। तो आज का दिन वही होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच पांच डॉग्स ब्रीड के बारे में बात करने वाला हूं, एंड सभी का प्राइस आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला, सबसे पहले बात करते हैं हस्कीज के बारे में। दोस्तों ये जो हस्की पपीज आप लोग देख रहे हैं ये ब्लू आइज में फीमेल्स है, मेल आप लोगों को इनमें नहीं मिल पाएंगे। पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में, और आप लोग जानते हैं कि ब्लू आइज का प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आप लोग इन पपीज को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर पाओगे। वैसे अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो ये 45 डेज के हो चुके हैं, एंड उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की ना वो के जस्ट 12,000 पीस, यानी सिर्फ 12,000 रुपए। सो नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल डॉग ब्रीड के बारे में, जिसका नाम है तिब्बतियन मस्टिफ। दोस्तों इन पपीज में आप लोगों को मेल पपीज फीमेल पपीज दोनों ही मिल जाएंगे। क्वालिटी आप लोग इनके फादर की देखें, जो कि अल्टीमेट क्वालिटी है। बाकी पेरेंट्स की फोटो वीडियो देखने के बाद ही आप लोग पपीज को परचेज करें। तो फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए ये ब्रीड में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होगा इस ब्रीड को रखने के लिए। क्योंकि अगर आप लोग इन्हें अच्छे से सोशलाइज और ट्रेन नहीं करोगे ना, तो ये आगे चल के अग्रेसिव हो सकते हैं, जिससे आप लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। वैसे अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज जो ना ये 45 डेज के ही हो चुके हैं, एंड उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की ना, वो मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को, दोनों का सेम प्राइस है जो है 23,000 पीस, यानी 23,000 रुपए। बाकी भाई ब्रीड को देखते हुए प्राइस सच में बहुत अफोर्डेबल है। एंड हमारी जो थर्ड डॉग ब्रीड है ना भाई, इसके बारे में काफी टाइम के बाद बात कर रहा हूँ, जो है फ्रेंच बुलडॉग। दोस्तों ये ब्रीड काफी छोटी सी स्मॉल साइज की होती है। अगर आप लोगों को एक क्यूट सी गोलू मोलू सी डॉग ब्रीड चाहिए तो आप लोग फ्रेंच बुलडॉग को ले सकते हैं। फैमिलीज के लिए ये डॉग ब्रीड एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि भाई आप लोग इन्हें सिटीज के फ्लैट या स्मॉल साइज के घरों में रख सकते हो, और इनका मेंटेनेंस खर्च भी बिल्कुल कम होता है। आप लोगों को ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, मंथली एक्सपेंसेस काफी कम होने वाला है, क्योंकि छोटी डॉग ब्रीड का भाई डाइट भी काफी कम होती है, और ऊपर से इनका कोट भी बिल्कुल शॉर्ट है। बाकी गाइस ये जो फ्रेंच बुलडॉग पपी है ना भाई, कलर देखे बहुत प्यारा कलर है, जो है मार्ले कलर, और इस कलर के पपीज काफी एक्सपेंसिव प्राइस में मिलते हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये जो फ्रेंच बुलडॉग है ना, ये एक फीमेल है, एंड उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 10,000 पीस, यानी सिर्फ 10,000 रुपए। सो अगर नेक्स्ट डॉग ब्रीड के बारे में बात करें तो ये है हमारी जानी मानी ट्रेंडिंग डॉग ब्रीड, जिसका नाम है अमेरिकन बुली। दोस्तों ये जो अमेरिकन बुली है ना, ईयर क्रॉपिंग के साथ आप लोगों को मिल जाएगा, उन्होंने वैक्सीनेशन भी स्टार्ट करवा रखे हैं। एंड वहीं पर अगर बात करें इसके साइज के बारे में, तो ये लो पॉकेट साइज में, जो कि पॉकेट से थोड़ा छोटा और माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर आप लोगों को ज्यादा बड़ा अमेरिकन बुली नहीं चाहिए ना, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। कलर भी काफी अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसे परचेज करने के लिए आप लोगों को 15-16 हज़ार रुपए नहीं देने पड़ेंगे। उन्होंने काफी डिसेंट सा प्राइस रखा है। वैसे उन्होंने इसकी एज के बारे में तो मेंशन नहीं कर रखा कि इसकी एज क्या हो चुकी है, ये तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की ना भाई, वो के जस्ट 13,000 पीस, यानी सिर्फ 13,000 रुपए। भाई देखो क्वालिटी को देखते हुए और साइज को देखते हुए सच में प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। तो नेक्स्ट ब्रीड के बारे में बात करें तो भाई इस ब्रीड को कौन नहीं जानता, क्योंकि भाई एक सेकंड में आप लोगों को पता लग गया होगा कि यार ये तो रॉटवेलर है। जी हां गाइस, ये रॉटवेलर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक मेल पपी है, काफी गोलू मोलू सा है, एंड इसका प्राइस भी आप लोगों को काफी डिसेंट सा मिलेगा। वैसे गाइस इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, ये जितनी भी डॉग ब्रीड आप लोगों ने देखी ना, ये सभी आप लोगों को दो लोकेशन से मिल जाएंगे। आप लोगों के पास में जो भी पड़े आप लोग वहां पर विजिट करके इन्हें परचेज कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है लुधियाना पंजाब, एंड सेकंड है करनाल हरियाणा से, एंड जो दिल्ली की साइड में डिलीवरी चाहता ना, वो सिर्फ टोकन अमाउंट पे पपीज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अगर फाइनली रॉटवेलर के प्राइस के बारे में बात करें तो पपी एक्सीलेंट क्वालिटी में है, और ये मेल पपी है, और 45 डेज का हो चुका है। तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड किया ना भाई, वो भी गया 13,000 पीस, यानी 13,000 रुपए। तो भाई इस प्राइस में आप लोगों के पास काफी सारे ऑप्शंस हो गए हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।